डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द्लास लास्ट लेक्चर में हमने मॉर्गेजर uh, के राइट्स एंड लाइब्रिटीज को कम्प्लीट कर लिया था आज के लेक्चर में हम मॉर्गेजी के राइट्स को डिस्कस करेंगे uh, तो जिस प्रकार से मॉर्गेजर के पास राइट्स हैं लाइब्रिटीज़ हैं वैसे ही मॉर्गेजी की भी कुछ राइट्स हैं और लाइब्रिटीज हैं जो कि आज के हम लेक्चर uh, में कवर अप करेंगे तो सबसे पहला जो हम इसमें मॉर्गेजी का राइट right ले रहे हैं वो है राइट टू फोर क्लोजर और सेल तो ये दिया है सेक्शन में तो देखिए जैसे को राइट right राइट था ऑफ right जो कि हमने सेक्शन सिक्सटी में पढ़ा था जिसमें कि वो क्या कर सकता है कि अपना मॉर्गेज मनी पे करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करवा सकता है उसी तरीके से आ, यहाँ पर मॉर्गेजी के पास भी राइट right है कि वो अगर उसका मॉर्गेज मनी उसको पेमेंट नहीं होता है या मॉर्गेजर uh, जो है उसको uh, उसका जो जो भी उसने उधार उसको दिया है वो उसको पूरा नहीं कर पाता है नहीं दे पाता है तो फिर उस केस में मॉर्गेजी के पास क्लोजर और सेल का राइट right हो जाता है ये दिया है सेक्शन सेवन सिक्सटी सेवन में तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रोविजन है तो देखिए ये अः हम कह सकते हैं कि ये जो रेमेडी है वो सेक्शन 60 का काउंटर पार्ट है ठीक है जैसे कि मॉर्गेजर के पास राइट ऑफ प्रोडम्शन है उसी प्रकार से मॉर्गेज के पास राइट टू फोरक्लोजर और सेल है ठीक है तो राइट टू फोरक्लोजर और सेल क्या है इसको हम देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर इस सेक्शन में तीन प्रकार की बातें बताई गई हैं कि यदि जब मॉर्गेज मनी ड्यू हो गया हो यानी कि जिस ड्यूरेशन के लिए मॉर्गेज मनी ले लिया गया हो वो ड्यूरेशन पूरा हो गया हो और अब मॉर्गेज मनी ड्यू है या फिर जो मॉर्गेजर है उसने अभी तक रिडेम्शन सूट फाइल नहीं किया है और या फिर उसने कोई पेमेंट भी डिपॉजिट नहीं किया है कोर्ट में या उसने अभी तक मॉर्गेजर मॉर्गेजी को कोई पेमेंट नहीं दिया है तो इन दोनों तीनों कंडीशन में जो मॉर्गेजी है उसके पास फिर ये राइट बनता है कि वो फोर्ट क्लोजर और सेल के लिए जो है कोर्ट केस फाइल करे तो बेसिकली सूट ऑफ फोरक्लोजर क्या है कि मॉर्गेजी जो है न्यायालय में जाता है और कहता है कि मॉर्गेजर को अब उसका राइट ऑफ रिडेम्पशन एक्सरसाइज ना करने दिया जाए उसको डिबार कर दिया जाए क्योंकि वो टाइम पास हो चुका है वो टाइम बीत चुका है जब उसे पेमेंट करनी थी ठीक है तो और उसने कोई रिडेम्पशन सूट भी फाइल नहीं किया है या फिर उसने कोई पेमेंट भी नहीं करी है तो फिर इन तीनों कंडीशन में जो है वो कोर्ट को ये बोलेगा कि अब जो है मॉर्गेजर को डिबार किया जाए उसका जो रिडम्पशन का राइट right है उसको एक्सरसाइज करने से तो सिंपल लैंग्वेज में ये इतना ही है कि मॉर्गेजर को डिबार करना है मॉर्गेजर को रोकना है उसके राइट ऑफ रिडम्पशन को एक्सरसाइज करने से ठीक है तो यहाँ पर ये दो तीन बातें ध्यान रखनी है अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के मोर्गेज में जो है सेल हो सकता है या फोरक्लोजर हो सकता है तो देखिए हमने जैसे पढ़ा था पहले कि हमारे पास छह टाइप के जो है मॉर्गेज होते हैं तो उसमें हम देख लेते हैं देखिए सबसे पहले सिंपल मॉर्गेज में जो होता है केवल सेल हो सकती है इसमें फोरक्लोजर नहीं हो सकता है यानी मॉर्गेज को फोरक्लोजर का राइट इसमें नहीं मिलेगा केवल सेल का राइट है यूजू फ्रैक्चरिंग में यहाँ पर देखिए ना तो यहाँ पर सेल का राइट है ये ना ही यहाँ पर फोरक्लोजर का राइट right है मॉर्गेजी इन दोनों में से कोई भी राइट right को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल और एनोमलस मॉर्गेज इन दोनों में ही जो होता है केवल uh, फोरक्लोजर का राइट right है सेल का राइट right मॉर्गेजी को नहीं दिया गया है इंग्लिश uh, मॉर्गेज में केवल uh, सेल का राइट right है क्लोजर का राइट right नहीं है और मॉर्गेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डील में केवल uh, सेल का राइट right है फोर क्लोजर का राइट right मॉर्गेजी को नहीं दिया गया है तो ये चीजें आपको ध्यान रखने पड़ेंगी ये छह प्रकार के जो मॉर्गेज हैं इनमें किस प्रकार से क्या, कौन सी चीज लागू होगी कब फोर इसमें होगा या नहीं होगा सेल होगी या नहीं होगी तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अब इसके बाद सेक्शन uh, 67 के ही क्लॉज बी में हम आते हैं और ये कहता है कि वेयर मॉर्गेजर बिकम्स अ ट्रस्टी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मॉर्गेज इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम अ सूट फॉर रिप्रेजेंटेटिवेजी और सेल ये कहता है कि अगर मॉर्गेजर जो है वो मॉर्गेजी का ही ट्रस्टी बन जाए ठीक या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाए ठीक है तो उस केस में वो प्रोहिबिटेड है और सेल का सूट फाइल करने के लिए

ठीक है वो नहीं कर सकता है उस केस में उसके पास सिर्फ यही रेमेडी होगा कि वो किसी रिसीवर को अपॉइंट करवाए कोर्ट के थ्रू ठीक है ये नहीं है कि वो कोर्ट में जाके फोर क्लोजर और सेल का सूट फाइल करे वो उस केस में रिसीवर को अपॉइंट करवाएगा क्लॉज डी कहता है एनी वन ऑफ द सेवरल मॉर्गेजेस कान सेल और फोर क्लोज इन रिस्पेक्ट ऑफ हिस शेयर अनलेस परमिटेड बाय द मॉर्गेजर ठीक है जैसे कि हमने पहले बताया था कि अगर एक मॉर्गेजर है और उसने बहुत सारे मॉर्गेजी से जो है उधार लिया हुआ है तो अब यहाँ पर जितने भी मॉर्गेजी हैं सपोज उसके तीन मॉर्गेजी हैं ए बी और सी तो यहाँ पर ए ये नहीं कह सकता कि मैं अपने पार्ट का जो है अपने पार्ट को फोरक्लोज करवा रहा हूँ या अपने पार्ट को सेल कर रहा हूँ ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता ऐसा तो फिर बी भी आएगा फिर सी भी बोलेगा कि हम अलग अलग जो है सूट फाइल कर रहे हैं क्लोजर के लिए या सेल के लिए तो इस चीज से क्या होगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स हो जाएंगे मतलब बहुत सारे सूट्स हो जाएंगे जिससे कि मॉर्गेजर के अगेंस्ट में जिससे कि मॉर्गेजर को ही परेशानी होगी तो इसलिए अगर मॉर्गेजर ने उन तीनों को परमिट किया है ए बी सी को कि आप सेपरेटली uh, मेरे ऊपर uh, या सेल का सूट फाइल कर सकते हैं तो वैलिड तो uh, है लेकिन अगर ऐसा कोई उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है ऐसी कोई उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड नहीं हुई है तो फिर क्या होगा कि तीनों जो मॉर्गेजी है ए बी और सी तीनों को जॉइंटली आना पड़ेगा और एक सूट फाइल करना पड़ेगा वो जो भी मॉर्गेज मनी है उसके रिस्पेक्ट में ठीक है तो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को अवॉइड करने के लिए जो है अलग अलग मॉर्गेजी द्वारा अलग अलग सूट फाइल करने को प्रोहिबिटेड किया गया है तो ये सेक्शन uh, इतना ही कहता है इसके बाद uh, बात करते हैं सेक्शन 67 ए से सेक्शन 67 ए भी जो है वो काउंटर पार्ट है सेक्शन 61 का ठीक है तो सेक्शन 61 में हमने देखा था कि एक मॉर्गेजर क्या कर सकता है अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को किसी सेम मॉर्गेजी को जो है मॉर्गेज कर सकता है ठीक है और हमने ये देखा था फिर उसके पास ये राइट right हो जाता है कि वो किसी एक प्रॉपर्टी को आ, पहले रिडीम कर सकता है दूसरी को बाद में या सबको एक साथ रिडीम कर सकता है ये मतलब मॉर्गेजर को राइट right दिया गया था कि वो वो किस प्रॉपर्टी को पहले रिडीम करना चाहता है ठीक है लेकिन जो मॉर्गेजी है जिसको की प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है सपोज तीन प्रॉपर्टीज उसको मॉर्गेज किए यहाँ पर जो मॉर्गेजी है उसको ये राइट नहीं दिया गया है कि वो हर एक प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग सूट फाइल करे ठीक है वो उसको अगेन यहाँ पर ये कहा गया है कि उसको एक ही सूट फाइल करना है सारे मॉर्गेजेस के रिस्पेक्ट में जितनी भी प्रॉपर्टी उसको मॉर्गेज है सपोज वन टू थ्री थ्री प्रॉपर्टीज उसके ऊपर उसके पास मॉर्गेज है तो तीनों को वो क्लब करके एक सूट फाइल करेगा ठीक है एक सूट फाइल करेगा फोर क्लोजर के लिए या सेल के लिए अलग अलग उसको यहाँ पर राइट right नहीं दिया गया तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मॉर्गेजर को तो राइट right दिया गया है, ए, आ, अलग -अलग है। right गया है कि वो हर एक प्रॉपर्टी को अलग अलग रिडीम कर सकता है लेकिन मॉर्गेजी को यहाँ पर राइट नहीं दिया गया है कि वो हर एक प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग फोर क्लोजर का सूट या सेल का सूट फाइल करे उसको क्या करना है उसको सबको क्लब करना है और एक सूट फाइल करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द मॉर्गेजेस अब बात करते हैं हम सेक्शन सिक्सटी एट की राइट टू सू फॉर मॉर्गेज मनी ठीक है तो देखिए ऊपर वाले सेक्शन में हमने देखा सिक्सटी 67 सेवन और सिक्सटी सेवन ए में फोर्टक्लोजर और सेल के लिए सूट फाइल कर सकता है मॉर्गेजी और इसके अलावा सेक्शन सिक्सटी एट में मॉर्गेज़ी को ये भी राइट right दिया गया है कि वो जो मॉर्गेज मनी है उसके लिए जो है सूट फाइल कर सकता है इसमें जो है लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिस जो सेटिस्फाई होंगी तभी जो है एक मॉर्गेजी मॉर्गेज्ड मनी के लिए सूट फाइल कर सकता है ठीक है तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्लॉज ए तो पर्सनल कॉपनम टू रिपे तो देखिए इसमें ये बताया गया कि जो हमारे पास सिंपल मॉर्गेज है और जो इंग्लिश मॉर्गेज है जहाँ पर कि मॉर्गेज अपने आप को बाउंड करता है कि हाँ वो मॉर्गेज मनी पे करेगा रीपे करेगा जब टाइम पूरा हो जाएगा तो उस केस में जो है फिर यहाँ पर अगर मान लो उसने पेमेंट नहीं किया है मॉर्गेजर ने तो फिर मॉर्गेज उसके अगेंस्ट में जो है मॉर्गेज मनी का सूट फाइल कर सकता है ठीक है लेकिन हाँ अगर मॉर्गेजर ने मॉर्गेज प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर दी है तो जो भी ट्रांसफरी होगा वो लायबल नहीं उसके अगेंस्ट में ऐसा सूट फाइल नहीं किया जा सकता मॉर्गेजी के द्वारा ठीक है केवल मॉर्गेजर के अगेंस्ट में ही मॉर्गेजी जो है अपना सूट फाइल करेगा मॉर्गेज मनी के लिए ना कि ट्रांसफरी के अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन मेड प्रॉपर्टी जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी हो चुकी है खराब हो चुकी है लाइक फायर हो, हो, like हो, हो गया फ्लड हो गया ठीक है जिसकी जिसमें कि ना तो मॉर्गेजर की गलती है ना मॉर्गेजी की गलती है ठीक है तो अगर ऐसे कारण से प्रॉपर्टी जो जिस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया वो खराब हो जाती है तो उस केस में फिर मॉर्गेजी भी क्या कर सकता है एक सूट फाइल कर सकता है अपने मॉर्गेज मनी को रिकवर करने के लिए लेकिन उसको यहाँ पर एक चीज और करनी पड़ेगी कि उसे आ, सूट फाइल करने से पहले मॉर्गेजर को कहना पड़ेगा कि क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी तो आपकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो आप कुछ और सिक्योरिटी मेरे पास रखवा सकते हैं बंधक के तौर पे ताकि जो मैंने आपको लोन दिया है वो सिक्योर हो सके तो अगर वो आ, किसी और सिक्योरिटी को फर्निश करता है तब तो ठीक है तब तो कोई यहाँ पर सूट फाइल नहीं किया जाएगा लेकिन अगर मॉर्गेजर जो है कोई अदर सिक्योरिटी यहाँ पर फर्निश नहीं करता है तब उस केस में फिर मॉर्गेजी जो है मॉर्गेज uh, मनी के रिकवरी के लिए सूट फाइल करेगा तो ये हो गया क्लॉज बी इसके बाद आते हैं क्लॉज सी में रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट ऑफ द मॉर्गेजर तो देखिए बी में हम कह रहे थे कि जो भी नेचुरल कैलामिटी के कारण प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन होता है उस केस में भी जो है मॉर्गेजी सूट फाइल कर सकता है मॉर्गेज मनी के लिए लेकिन सी में कह रहे हैं कि रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट ऑफ मॉर्गेजर मतलब अगर मॉर्गेजी जो है उसको मॉर्गेज प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर दिया जाता है या तो फुली या तो पार्टली ठीक है के किस कारण किसी मॉर्गेजर के रॉन्गफुल एक्ट के कारण या मॉर्गेजर के डिफॉल्ट के कारण तो उस केस में फिर मॉर्गेजी क्या करेगा मॉर्गेज मनी के लिए उसको सू कर सकता है ठीक है लेकिन अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेजी की खुद की गलती के कारण डिस्ट्रॉय हो गई है तब वो सू नहीं कर सकता ठीक है तो यहां पर हमने क्या देखना है कि मॉर्गेजर का डिफॉल्ट होना चाहिए जिसके कारण कि मॉर्गेजी को डिप्राइव होना पड़ा मॉर्गेज प्रॉपर्टी से अब बात करते हैं क्लॉस डी की फेलियर ऑफ मॉर्गेजर टू डिलीवर पोजेशन तो यहां पर देखिए अः जैसे कि हमने देखा था यूज फ्रेक्चुरी मॉर्गेज में हम जानते हैं कि मॉर्गेजी को पोजेशन दिया जाता है ठीक है ताकि वो जो भी उसे प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसको एंजॉय कर सके ठीक है तो मान लो अगर मॉर्गेजर ने प्रॉमिस किया था पोजेशन देने का लेकिन वो फेल हो गया वो पोजेशन नहीं दे पाया या फिर अगर उसने पोजेशन दिया भी है तो मॉर्गेजी उसे पीसफुली इंजॉय नहीं कर पा रहा कोई थर्ड पर्सन आके इंटरप्ट कर रहा है ऐसा पर्सन जो ये कहे कि मॉर्गेजर से बेटर टाइटल उसके पास है ये मॉर्गेजर का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है या तो उस केस में फिर मॉर्गेजी भी क्या कर सकता है मॉर्गेजर को सू कर सकता है मॉर्गेज मनी के लिए तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना वो मॉर्गेज मनी के लिए हो रही है यहाँ पर फोर क्लोजर और सेल से कंफ्यूज मत करना यहाँ पर ये मॉर्गेज मनी के लिए जो है ये ए बी सी डी क्लोज जो हैं ये मॉर्गेज मनी के लिए ही आ, हम एनफोर्स करा सकते हैं अब इसके बाद जो जो है uh, subsection two, जो है 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 का वो ये कहता है कि कि तो तो देखिए अभी हमने पढ़ा था क्या एक और एक है डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन दोनों केसेस में हमने बताया था कि मॉर्गेजी क्या कर सकता है मॉर्गेज uh, मनी के रिपेमेंट के लिए सूट फाइल कर सकता है तो यहाँ पर जो सबसेक्शन टू ये है वो ये कहता है कि अगर मॉर्गेजी ने अपनी सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट कर ली है ने जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी उसने रिट्रांसफर कर दिया मतलब कहने का मतलब उसने अपनी सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट कर ली है तब तो सबसेक्शन टू एप्लीकेबल नहीं होगा लेकिन अगर उसने कुछ भी रेमेडीज एग्जॉस्ट नहीं करी है और उसकी रेमेडीज अभी रहती हैं तब जो है कोर्ट जो है अपने विवेक पे जो क्लॉज ए और बी की जो प्रोसीडिंग है जो क्लॉज ए और बी की जो सूट है उस पर स्टे कर सकती है बस कंडीशन यही है मॉर्गेजी द्वारा जो रेमेडीज अवेलेबल है उसको वो एग्जॉस्ट नहीं हुई होनी चाहिए अगर वो रेमेडी एग्जॉस्ट करके आया है कोर्ट के पास तब तो ये सबसेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा तो ये थे हमारे मॉर्गेजी के कुछ राइट्स बाकी के जो प्रोविजंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे थैंक यू